हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बाला स्टॉक मार्केट में। बात करते हैं प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स की। स्टैंड लोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। वैल्यू लाख में दी गई है। दिसंबर 2022 में 70,366 लाख, सितंबर 2022 में 72,602 लाख, यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू में गिरावट देखी जा सकती है। बात करते हैं प्री शेयर की। 70,528 लाख, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। दिसंबर 2022 में 66,265 लाख, सितंबर 2022 में 70,638 लाख, यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। 68,089 लाख, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात की जाए तो एक्सपेंस में जंप देखने को मिल रहा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। दिसंबर 2022 में 1,513 लाख, सितंबर 2022 में 1,466 लाख, यानी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। 1,816 लाख, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।